जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए जनपद कानपुर की गंगा कटनी में भी योग उत्सव का आयोजन किया गया। योगाचार्य नीलम द्वारा कटनी के बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए योग उत्सव आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान में शामिल होने के लिए गंगा कटनी में बच्चे भी खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। इस पर बच्चों ने योगासन की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर अचंभित कर दिया। योगाचार्य नीलम का कहना था कि कटनी समेत तमाम ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां योगाचार्य के अभाव में कमजोर तबके के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। उनको जागरूक करने के लिए शहरों के अलावा पिछड़े इलाकों में भी योग के प्रति जागरूकता फैलाकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है। जनपद कानपुर से संवाददाता जय राजपूत की रिपोर्ट। मैम कॉर्डिंग ये आपका अर्ध सर्वांग आसन पे वृश्चिक आसन और उष्ट्रासन पे योग प्रणाम बच्चों के द्वारा और तकिया आसन पे पश्चिम उत्तान आसन कपोता आसन और वीरभद्र आसन बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। उठा रहे ये सभी आसन सर्वांग आसन की अलग अलग स्थितियां हैं, तो सर्वांग की डिफरेंट पोजीशन और लास्ट में ये पूर्ण सर्वांग के द्वारा ये स्थिति की जा रही है। कानपुर योग एसोसिएशन के बहुत ही हुनर खिलाड़ियों के साथ मैम इसके बारे में बोलते हैं। देखो बहुत अच्छा, यस वेरी गुड। क्या हुआ, किसने पैर किया, क्यों हटा, क्या आसन है, क्या फायदा। अर्ध सर्वांग आसन पर लोग प्रणाम कर रहे हैं बच्चे और देखिए कितनी बेहतरीन मुद्रा को बना रहे हैं सभी बच्चे। अर्ध सर्वांग आसन पे लोग प्रणाम करते हुए और इस आसन को हम योग मुद्रा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। ये धनुरासन किया जा रहा है और अभी इन बच्चों ने किया अर्ध सर्वांग। क्या नाम है मैम आपका और आज ये गंगा की तट पर आप लोगों ने योग किया, क्या संदेश देना चाहेंगे। हम सभी लोग कानपुर योग एसोसिएशन की तरफ से आज गंगा बैराज में एकत्रित हुए हैं। मैं नीलम गुप्ता योगाचार्य, कानपुर योग एसोसिएशन महासचिव, और आज हम लोग यहाँ पर योग दिवस के इस अवसर पर सभी लोगों को योग की विभिन्न विधाओं को सिखाते हुए और लोगों में एक जागरूकता का स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इस गंगा पावन गंगा नदी के तट पर। और हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न तरह के आसन किए और बहुत ही अच्छा प्राणायाम किया, कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएँ भी की यहाँ पर। और हम लोगों ने यही चाहा कि हमारा समाज स्वस्थ रहे। मोदी जी के द्वारा दिया गया संदेश, योग को विभिन्न देशों में अपनाया गया, हमारी ही विधा है, तो हमारी ही विधा को हम लोग फिर से अपनी इस विधा को जाने और अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और समाज में अच्छा एक शुभकामनाएं आप सभी, आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy Yoga Day! Happy Yoga Day! Happy Yoga Day!